हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, जैसा कि आज हमने देखा था कि फ्राइडे को मार्केट ने बहुत अच्छे से तरीके से परफॉर्म करा था और मार्केट बुलिश जाके ही बंद हुई थी। और अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की, तो कौन से स्टॉक्स चले थे, तो वो भी हमने आपको रिकमेंड करे थे और बहुत अच्छे तरीके से उनके सारे टारगेट्स हिट हुए, इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर हम बात करें कि मंडे को अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, मंडे को कौन से स्टॉक्स अच्छे तरीके से चलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से चलेगा, क्या चार्ट एनालिसिस है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। जिसमें से अगर हम बात करें गाइस स्टॉक्स के बारे में कि मंडे को कौन से स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं इंट्राडे के अंदर, या दो तीन दिन के लिए अगर आप होल्ड करेंगे, तो उसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कल ही डाल दी थी सैटरडे को, तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद आप मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो तो देख रहे हैं, तो आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा कि मंडे को आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेना है और साइड बाय साइड आप कौन से स्टॉक्स पे भी ट्रेड लेकर पैसा कमा सकते हैं। तो वो स्टॉक्स की वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जाके हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड पे भी आपको वो मेरा वीडियो शो कर जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस साइड पर आपको यहाँ पर वीडियो शो कर जाएगा, जाके आप क्लिक कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वो मेरा लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने 5 स्टॉक्स के बारे में आपको मंडे के लिए बता रखा है, तो वो भी आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं लिंक में। अब हम बढ़ते हैं गाइस चार्ट्स की तरफ और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्या बन रहा है, चार्ट एनालिसिस हमें क्या सिखा रहा है। और गाइस, जो भी हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस पे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया है, वो एग्जैक्ट अभी तक उसी रेंज में या अभी तक उसी पैटर्न में काम कर रहा है। कुछ नया अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी ने नहीं करा, तब भी मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि वो रेंज क्या है, एक बार और आपको समझा देता हूँ। सो अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। निफ्टी के चार्ट पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 4 लाइनें ड्रॉ करी हुई हैं। आप देख सकते हैं पहली जो मेरी ये लाइन है, ये मेरी एक सपोर्ट का काम कर रही है। दूसरी जो मेरी लाइन है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज बना रही है कि इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें कि कौन से चैनल के अंदर पर्टिकुलरली अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो वो चैनल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक चैनल आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। इस चैनल पे पर्टिकुलरली पूरा निफ्टी अभी तक काम कर रहा है। बहुत ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि काम कर रहा है, कम से कम 18-20 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं निफ्टी को इस चैनल के अंदर काम करते हुए। ये आप देख सकते हैं कि पूरा टाइम इसी चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड करता है और इसी चैनल के अंदर हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइन करने की कोशिश करी है, जिससे हम आपको इंट्राडे में अच्छे से पैसा कमा के दे सकें। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैंने यहाँ पर इस चैनल के अंदर एक मिड लाइन ड्रॉ करी हुई है, जो कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रही है। जैसे कि आप इस चैनल के अंदर देखेंगे कि चैनल की शुरुआत यहाँ से, पर्टिकुलरली इस चैनल की शुरुआत यहाँ से हुई है। चैनल ऊपर गया, हमने देखा इस मिड लाइन पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा, हमने देखा जब दोबारा चैनल के सपोर्ट पर आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं ऊपर तक ऊपर चैनल के रेजिस्टेंस तक जा पाया और हमने देखा दोबारा नीचे आ गया। जब उसने क्रॉस करा, अपने मिड लाइन को क्रॉस करा और ऊपर गया, चैनल को टेस्ट करा और नीचे आने की कोशिश करी, तो वो जो चैनल पहले इसके लिए सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का काम मिड लाइन करने लग गई। और एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मिड लाइन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलरली पूरा चैनल के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलरली पिछले टाइम से भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी चैनल के अंदर काम करता है और हम हायर साइड में ब्रेकआउट देखते हैं, तो वो मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी कहाँ कहाँ पर चैनल बना रहा है और फिर हम देखते हैं कि कैसे उसमें ब्रेकआउट आता है। तो एक कंटिन्यूशनल चैनल ब्रेकआउट पैटर्न हम देख रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो देखिए, मैं एक चैनल और ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, ये गाइज आप देख सकते हैं। जैसे कि एक चैनल मैंने और ड्रॉ करा, निफ्टी एक चैनल के अंदर काम करता है, एक चैनल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हम देखते हैं कि हाई लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक और चैनल ड्रॉ करने लग गया। चलो कोई नहीं, हम और चैनल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और भी पर्टिकुलरली कुछ चैनल्स बना रहा है। हाँ गाइस, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक और पर्टिकुलरली चैनल यहाँ ड्रॉ करा है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक और पर्टिकुलरली चैनल ड्रॉ कराई। इस देखिए, अब इस चैनल के अंदर ये पर्टिकुलरली निफ्टी काम करता था, ऊपर गया, नीचे आया और देखिए फिर ऊपर की तरफ इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने एक पर्टिकुलरली चैनल ड्रॉ करा है। गाइस आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, देखिए ये पूरा चैनल पे था, चैनल के ऊपर गया,
और उसने डिप दी चैनल के यहाँ पर सपोर्ट माना और देखिया कितनी तरीके से ऊपर गया। हम एक बार और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये देख सकते हैं गाइस। एक चैनल और इसने बनाया है जी गाइस, ये देखिए एक चैनल और बना है और इसी चैनल पे ये पर्टिकुलरली देखिए ये चैनल के अंदर ये ट्रेड करता था, चैनल का ब्रेकआउट दिया और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से इस चैनल के ऊपर मूवमेंट आई थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से निफ्टी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में है जो चैनल बनाता है। चैनल बनाने के बाद हम देख रहे हैं अर्ली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट हायर साइड पे ही हमें देखने को मिलता है, यानी कि निफ्टी अब एक अप ट्रेंड में है और जो चैनल्स बना रहा है वो चैनल्स भी अप ट्रेंड की तरफ ही से ब्रेक कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब निफ्टी जो बना रहा है वो निफ्टी एक तरीके का हम देख रहे हैं कि बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है और साइड बाय साइड हम देख रहे हैं कि एक तरीके का हम इसमें देख पा रहे हैं कि एक चैनल है पर इसके ऊपर साइड में ब्रेकआउट देखने को हमें कम मिल रहा है। अब वो कैसे, अब वो हम आप चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मिड लाइन है, ये मिड लाइन हमें सजेस्ट करती है, मैं अब यहाँ पर इस चैनल को हटा देता हूँ जैसे आपको आराम से ये पता चल जाए। तो ये जो देख सकते हैं ये जो मिड लाइन है, ये मिड लाइन आपको बताएगी कि अगर मिड लाइन पर हम सपोर्ट देख रहे हैं, अगर मिड लाइन पर हम एक सपोर्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अभी उस पर ऊपर जाने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, पर अगर वहाँ पर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बहुत बार तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा नीचे जा सकता है। अब वो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये रेंज के अंदर काम कर रहा है, हम इस रेंज से ही ऊपर गया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट करा, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट करा, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट करा, फोर्थ टाइम करा, फिफ्थ टाइम करा, सिक्स्थ टाइम करा, यानी कि 6 बार कम से कम ये रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है मिड पॉइंट को और दोबारा नीचे आ चुका है। अगर हम अब ऊपर सपोर्ट की बात करें, मिड लाइन से सपोर्ट ढूंढे, तो मिड लाइन पे 1 बार 2 बार और 3 बार, सिर्फ 3 बार ही सपोर्ट लिया है और कम से कम 6 से 7 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिला। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दोबारा आपके लिए एक चैनल बनाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक से जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोबारा आपके लिए चैनल बना दिया, तो इसका मतलब मेरा ये है कि जब भी इस चैनल के ये ऊपर की तरफ, इस चैनल से ऊपर की तरफ चैनल की तरफ बढ़ना जाता है तो हम देखते हैं कि बीच में ही उसे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है कि वो दोबारा अपने सपोर्ट की तरफ आ जाता है। और हम देखते हैं कि जब ये ऊपर से नीचे आता है तो वो नीचे आने के लिए एक बार हम देखते हैं कि यहाँ होल्ड करता है पर तेज़ी से नीचे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि ऊपर वो टिक नहीं पा रहा है पर नीचे से ऊपर जाते समय उसको हर्डल मिल रही है। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर जाते समय उसको 7 बार हर्डल मिली बीच में ही, पर ऊपर से नीचे आते समय 2 बार ही हर्डल मिली और आराम से नीचे आता था। इसका मतलब यह है कि चैनल के ऊपर जाने में इसे बहुत तकलीफ होगी, यानी कि चैनल के ऊपर तोड़ने में इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पर जब नीचे आएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो चैनल को भी समझने के लिए हमें ऐसे समझना पड़ता है कि चैनल पे हमें किस तरीके से काम करना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बाय करूँगा टारगेट ये है, यहाँ पर सेल करूँगा टारगेट ये है, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि चैनल किस तरीके से, यहाँ पर बाय करके आपको इस लेवल पर शॉर्ट करना पड़ेगा और इस लेवल पर नीचे आने से आपको यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। तो चैनल को भी आपको केयरफुली समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो आपको ये बताते हैं ये चैनल है यहाँ पर बाय करके यहाँ तक का टारगेट है, ऐसा नहीं होता। क्लियरली आपको ये समझना पड़ेगा कि निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक आप, अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझेंगे पैटर्न्स की, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे और अगर आप ट्रेड लेंगे तो गाइस आप हमेशा लॉस में रहेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी गाइस। मैं एक पर्टिकुलरली वीडियो बना के आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा कि ये जो मार्केट की साइकोलॉजी है ये किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि गाइस अच्छे से मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, पर जिस तरीके से मैं आपको पर्टिकुलरली वीडियोज़ पर बता रहा हूँ आप अगर उसको ध्यान से समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा पाएंगे और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। सो जैसा कि आपको पता चल गया कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहीं पर ही सिखा दिया था कि चैनल को भी समझने के कितने तरीके होते हैं, कि यह मिड लाइन कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है एक चैनल के अंदर, तो आप समझ गए होंगे। सो अब देख सकते हैं कि दोबारा चैनल पे अब हम देखते हैं कि फ्राइडे को इसने क्या करा और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं अब बढ़ता हूँ ऊपर, मैं चैनल को हटा देता हूँ अभी फिलहाल, इसका कोई काम नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग थी,
ये वाली जो रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल बनाई थी, ये निफ्टी की क्लोजिंग थी और निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मैंने आपको अपने थर्सडे पे ही वीडियो अपलोड कर दी थी कि फ्राइडे को मार्केट सबसे पहला जो लेवल छुएगी वो छुएगी 10,950 से लेके 10,960 तक का लेवल छू सकती है और उसके ऊपर शायद वो क्लोजिंग ना दे। और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो उसका नेक्स्ट लेवल होगा ये पर्टिकुलरली जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है 12,020 का लेवल। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्लोजिंग के बारे में भी बहुत बार सिखाया गया है। अगर आप यहाँ पर इस ये जो लाइन देख रहे हैं जो कितनी बड़ी विक है, शैडो है, ऊपर गई है, अगर आप इस लेवल पे बाय कर लेते तो आप देखते कि कितनी बुरी तरीके से आप लोग लॉस में निकलते। सो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जब तक इस लाइन के ऊपर, जब तक कोई पर्टिकुलरली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वो क्लोजिंग नहीं देती है, यानी कि जब बॉडी जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं करती है और अगली जो बॉडी होती है वो अगली बॉडी जब तक हम देखते हैं उस जो क्लोजिंग है उसके ऊपर नहीं निकलती है, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। अब आप देख सकते हैं कि हाँ, इसने 1 बजे के करीब हमने देखा था उसने ग्रीन बॉडी के अकॉर्डिंग इस चैनल को ब्रेक करा और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो यानी कि हमारे लिए एक बाय सिग्नल पहला जनरेट होता था। अब हमें वेट करना था कन्फर्मेशन के लिए कि जब तक वो इस बॉडी के ऊपर, जब तक वो इस पूरी जो इसने बना रखी है कैंडल, इस कैंडल के ऊपर नहीं निकलती तब तक हम बाय पोजीशन नहीं लेकर चलेंगे। यानी कि जैसे ही वो इस लाइन के ऊपर, ये जो आप लाइन देख रहे हैं मैंने, ये कैंडल का जो टॉप है हाई के ऊपर, जब तक ये दूसरी कैंडल नहीं जाती तब तक हम बाय नहीं बनाते। आप देख सकते हैं उसके ऊपर नहीं गई, 5 पॉइंट से रह गई और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से गिरावट आ गई। सो यानी कि ये फॉल्स ब्रेकआउट था और फॉल्स ब्रेकआउट के भी आपको मैं चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जामिन करना है सारी चीज़ों को। अब देख सकते हैं कि दोबारा ये नीचे आया, अपनी ये जो रेंज बना रखी है गाइज, ये पूरी रेंज है एक बार एक्यूमुलेट करने के लिए, बाय करने के लिए फॉर अ टारगेट ऑफ 11,950 to 12,000 का लेवल पर। गाइस आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से करती है, हमें इस रेंज, ये इतनी बड़ी जो आपको रेंज बनाई गई है, इस रेंज का मतलब ये है कि ये इस रेंज से कभी भी टर्न ले सकता है। ज़रूरी नहीं है, ये रेंज मैंने जो बना रखी है गाइस वो है 11,890 से लेके 11,840, यानी कि 50 रुपये की ये रेंज है। ये 50 रुपये से कभी भी निफ्टी एक टर्न ले सकता है और दोबारा हम 11,950 की तरफ बढ़ सकते हैं। सो अब जिस तरीके से मैंने आपको अभी पिछले देर में, थोड़ी देर पहले बताया कि हमें ऊपर की साइड में बहुत रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है और हम शायद एक बार नीचे तोड़ सकते हैं इस अपने चैनल को, तो वो क्यों तोड़ सकते हैं उसका रीज़न भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। ये देख सकते हैं हमने एक पहला शोल्डर बनाया, ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट शोल्डर है। एक इसने टॉप बनाया जो इसका हेड का काम कर रहा है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसने एक दोबारा शोल्डर बनाने की कोशिश करी और दोबारा शोल्डर का जो एक लेवल है वो लेवल आएगा अराउंड दिस, ये लेवल आएगा, ये लेवल आ सकता है 11,840 का या तो 11,800 का लेवल। ये 40 रुपये की एक रेंज है, इस 40 रुपये से हमें एक लेवल देख सकते हैं। यानी कि अगर जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो निफ्टी की क्लोजिंग अराउंड हुई है 11,900 के पास, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन लेकर चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11,840 का। पर हमें शॉर्ट पोजीशन कब बनानी है, हमें तब बनानी है जब वो पर्टिकुलरली इस लाइन के नीचे बंद होती है। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, ये लाइन है 11,880-890 का लेवल। जैसे ही 11,880-890 के नीचे अगर हम एक रेड कैंडल देखते हैं और जो उसकी अगली कैंडल बनती है वो उस रेड कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, हम उसी टाइम एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर देंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 11,840-11,800 का लेवल। और जैसे ही हम देखेंगे कि 11,840 का लेवल ब्रेक होता है, 11,800 का लेवल, हम देखेंगे कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और जैसे ही बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर हम ब्रेकआउट देखेंगे, उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, वो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 11,700 का लेवल, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट हम माने तो ये लाइन है। यानी कि जैसे ही वो अपने इस लेवल को ब्रेक करती है जो मैंने आपके सामने बना रखा है, ये जो जैसी इस लाइन को ब्रेक करेगी वैसे हम देखेंगे कि 11,720 के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे निफ्टी के अंदर। और वो जो चैनल है जो हम देखते थे कि जब भी पुराने टाइम, आप देखते हैं अगर आप बैक टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये चैनल बनाता है और ऊपर की तरफ हम ब्रेकआउट देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि ये चैनल बनाने के बाद वो नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि जो प्रीवियस जो ट्रेंड चला आ रहा था वो शायद रिवर्स हो सकता है।
तो इस तरीके से हमें केयरफुली ट्रेड लेकर चलना पड़ेगा और केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या करना है क्या नहीं करना, अभी मैं आपको बाय की सलाह तभी दूंगा जब ये 11,950 के ऊपर कैंडल बनाती है और उसके अगली कैंडल जो होती है वो अपने हाई को तोड़ देती है, और तब हम बात करेंगे 12,020 की और उसके ऊपर लेवल्स की। तब तक हमें एक शॉर्ट पोजीशन में ही बने रहना है जब तक वो इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता। तो क्लियरली ध्यान देकर ही ट्रेड करिएगा और तभी आप अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। दूसरी बात, अगर ये 11,700 जो इसका एक अल्टीमेट लेवल है, जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 11,730 का लेवल, वहाँ तक तो जा सकता है। पर पर्टिकुलरली अगर उस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, यानी कि एक ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चैनल जो था चैनल को भी ब्रेक कर दिया, जो एक कंटिन्यूशन पैटर्न अप ट्रेंड बना आ रहा था उसको भी ब्रेक करके वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? तो उस नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ने के लिए मैं देख सकते हैं सारे टॉप्स को एक ज्वाइन करूँगा, और सारे टॉप्स को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल इसका 11,500 होगा, जो कि इसकी ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा एक बार यहाँ पर टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो इसी हिसाब से अगर आप चलेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाएंगे। और गाइस, जो मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ उसी तरीके से मैं भी चलता हूँ, तभी आप लोगों को मैं लेवल्स प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि ये जो डीप स्टडी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ और अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने साथ साथ, क्योंकि गाइज मैं खुद भी लॉस नहीं चाहता, तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए क्यों ऐसा चाहूँगा कि आप लोगों को भी लॉस हो। सो बहुत क्लियरली बहुत अच्छे मोटिव से आप लोगों के लिए वीडियोस बना गई हैं, तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए ये वीडियो को देखते देखते हो। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसी मैं आपके लिए और भी बनाते रहूँगा, और आप डेफिनेटली अच्छे से ये लर्न करके अच्छे से खुद भी ट्रेड लेना सीख जाएंगे। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो गाइज, बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक डिफरेंस बस ये है कि निफ्टी ने अपने सारे टॉप्स को तोड़ के हम देख सकते हैं कि कब से ये ब्रेकआउट दे चुका है, पर बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं करा। निफ्टी अभी तक अपने टॉप्स को नहीं तोड़ पा रहा और अभी तक हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने एग्जैक्ट कौन से टाइम पे, इसने 11 तारीख को अपने हायर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करा था, और दोबारा हमने देखा था कि वहाँ पर एक बहुत तेज़ी से फॉल आ गई थी। कम से कम हमने देखा था बैंक निफ्टी पे हमने 700 रुपये से 800 रुपये की एक फॉल देखी थी, जैसे उसने अगले पिछले दिन ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे उसने दोबारा ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करी है और एक गैप अप से ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करी है। इसका मतलब यह है कि अभी भी मार्केट बुलिश है और हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसको तोड़ सके। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कि निफ्टी शायद नीचे की तरफ तोड़ सकता है, बैंक निफ्टी में आपसे कह रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ तोड़ सकता है, पर गाइस ज़रूरी नहीं है दोनों में सेम पैटर्न बने। निफ्टी का पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी की चीज़ें बता रही, निफ्टी की साइकोलॉजी बता रही है कि शायद वो नीचे तोड़ सकता है। मैं आपको 100% नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शायद तोड़ सकता है, तभी आपको लेवल्स प्रोवाइड कराए गए हैं कि किस लेवल से आपको क्या ट्रेड लेना है। वैसे अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो अगर बैंक निफ्टी में मैं 30 मिनट चार्ट्स में जाता हूं, तो आपको मैंने फ्राइडे के लिए एक ट्रेड बताया था और आपको बताया था कि इस लेवल से, आपको बताया था ये लेवल देख रहे हैं, इस लेवल से मैंने आपको बाय की सलाह दी थी अगर आपको याद होगा, और मेरा बाय का लेवल था 31,000 का लेवल। आप देख सकते हैं मैंने आपको 30,790 के लेवल से आपको एक बाय की सलाह दी थी और मैंने आपको 31,180 और 31,000 का आपको लेवल सजेस्ट करा था। अगर आपने याद हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी मैं लेवल्स हर सुबह डाल देता हूँ 8 बजे ही, और आपको पहले से ही पता चल जाता है क्या ट्रेड लेना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें एक बियरिश बैट पैटर्न बना है, बियरिश बैट पैटर्न बना है। ये भी एक हम देखते हैं कि मुश्किल से पैटर्न्स बनते हैं, रेयर पैटर्न्स होते हैं। सो एक बियरिश बैट पैटर्न बना है और वो बन चुका है और उसका कंफर्मेशन आने वाला है, वो आ सकता है। वो कैसे आ सकता है मैं आपको गाइस इस पर्टिकुलर पैनल पे नहीं बता सकता, जीरोधा के आपको पैनल पे नहीं बता सकता, क्योंकि फिबोनाची के कुछ रेशियोज़ होते हैं, वो रेशियोज़ इस पे नहीं है, इस जीरोधा पे नहीं है। तो मैं आपको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेकर चलता हूँ जो कि ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम चलते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही बना रखा है, बिल्कुल सेम चार्ट है ये, आपको मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैंने क्या बनाया है। मैं आपको अपनी पिछली वीडियो पर भी बता चुका हूँ, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलरली पैटर्न बना है, और यहाँ पर जो एक गिरावट आएगी वो गिरावट कम से कम
11,30,700 से लेकर और भी डाउन तक आ सकती है, यानी कि मेरे हिसाब से अभी भी बैंक निफ्टी बियरिश है अगर मैं 30 मिनट्स या आर्ली चार्ट में देखता हूँ। पर अगर मैं डेली चार्ट में देखता हूँ तो डेली चार्ट में भी हाँ ऊपर देखिए कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, हाँ बियरिश भी हो सकता है, पर जो दो कैंडल बनी है, जो एक कैंडल छोटी सी बनी है बुलिश हैमर टाइप और उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला, वो सजेस्ट करती है कि मार्केट बुलिश है। ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई है इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम अभी ट्रेड करेंगे, और अभी हम बुलिश को भूल जाते हैं तो अभी मेरे हिसाब से मार्केट वीक है, और उसके हिसाब से अभी हम वीक इन द सेंस सिर्फ एक हफ्ते के लिए मैं वीक कह रहा हूँ, यानी कि दो तीन दिन के पर्पज से मैं वीक कह रहा हूँ। तो ये पैटर्न बना है और ये पैटर्न का आप देख सकते हैं, ये पैटर्न है जो मैंने आपको अपने इस पैटर्न में बताया, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये पैटर्न बनता है। और साइड में जो लाइंस देख रहे हैं आप, कितनी सारी लाइंस देख रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, यानी कि हमें शॉर्ट की पोजीशन कब इनिशिएट करनी थी, 0.886 लेवल पे फिबोनाची का एक ये रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल है, हमें इस लेवल पे आके शॉर्ट करना था जो कि था 31,100 का लेवल। 31,100 के लेवल पे हमें एक शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करना था, और अगर आप जाएंगे तो मैंने आप अपने टेलीग्राम चैनल पे एग्जैक्ट यही लेवल आपको दे रखा था, तो इसी लेवल पे हमें शॉर्ट करना था। और इसी लेवल पे शॉर्ट करने के बाद हमने देखा कि मार्केट नीचे आई और 31,000 पे ही इसने जाके क्लोजिंग दे दिया। अब हमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कब करनी है, ये पैटर्न का कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब ये 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे जाती है, रेड कैंडल बनाती है, और अगली कैंडल जो होती है वो जैसी रेड कैंडल को ब्रेक करती है तो हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट क्या होगा वो भी मैं आपको अब बता देता हूँ। वो टारगेट होगा हमारा, अभी तो मैं आपको ये चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे से नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी मैं आपको सिर्फ अभी थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ कि वो पैटर्न का टारगेट क्या है। जी गाइस, सो जैसी वो इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसी वो 30,960 के लेवल को ब्रेक करता है, उसके नीचे एक क्लोजिंग कैंडल मिलती है और अगली जो कैंडल होती है वो उसको ब्रेक कर रही होती है, हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 30,900 और 30,700 का लेवल। आप देख सकते हैं कि अगर जैसी 30,960 के लेवल को ब्रेक करती है वैसी हम कम से कम 200 पॉइंट तक की एक नीचे या 300 पॉइंट तक की एक नीचे की तरफ रैली एज्यूम करके चल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, और वहाँ पर ये पार्ट जो पैटर्न है उसका टारगेट कंप्लीट हो सकता है। अभी आपको ये बता दिए तो बाय के लेवल्स आप लोगों को अभी तक नहीं बताए गए हैं, बाय का लेवल भी आपको मैं बैंक निफ्टी में बता देता हूँ वो कब है। बाय का लेवल आपके लिए तभी है जब तक वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होती है, जैसे ही वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगी तभी हम अपनी एक बाय पोजीशन को इनिशिएट करेंगे, उससे पहले हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी नीचे पे बाय करने के लिए पर ऊपर पे शॉर्ट करने के लिए। बहुत क्लियरली तरीके से आपको इतनी लंबी वीडियो पे मैंने सिखाया है, बताया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या एनालिसिस हो रही है, क्या चार्ट बता रहा है, और अब आप अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। ध्यान से एक बार वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके समझिएगा कि क्या निफ्टी बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी थी, क्या रेंज के बारे में बताया है, क्या चीज़ें बताई हैं। आप अच्छे से ट्रेड लेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मेरी सर्विस रिलेटेड चाहिए होगी तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको जो भी क्वेरीज हो, क्या आपको चीज़ें लगता है। गाइज मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर बताया कि सर मुझे लगता है कि निफ्टी एक बैट पैटर्न बना रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें भी लगा कि एक निफ्टी ने बैट पैटर्न बनाया, तो मैंने इसलिए डेफिनेटली आप लोगों के लिए बैट पैटर्न की वीडियो बताई। सो इस तरीके से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए, मैं आपका उस टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसी रिसर्च आप करते रहिए। और गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, मंडे को 5 स्टॉक्स कौन से ट्रेड करने हैं उसकी जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक कर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको मेरी वीडियो शो कर रही होगी यहीं पर ही, तो आप उसे क्लिक करके भी डायरेक्टली मेरी वीडियो पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। सो इसी के साथ मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।